इस संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो इंसान और विज्ञान को चुनौती देती आई हैं। ऐसी रहस्यमय चीज़ों में से एक है जलपरी, जिसे हम आज तक सिर्फ दंत कथाओं में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। अगर इतिहास खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जो जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती हैं। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे रहस्यमय सवालों के जवाब हम जानते हैं। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिक के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय तीन जलपरियों को देखने का दावा किया। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उनकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया था, उसे आज तक अम्पेंटिक्स में नहीं देख पाते। कोलंबस की इस यात्रा ने विज्ञान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि उन्होंने जलप्रिय नहीं मैनेटीज देखी थी। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें इंसान जलप्रिय का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने का गुण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव को प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वाले को मानना है कि शिकार ही वह कारण था जिसकी वजह से जलप्रियां इंसानों से छुप कर रहती थी, जो आज भी जलप्रियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। जुलाई 1842 न्यूयॉर्क अमेरिका, ब्रिटिश द सी एम ओ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वह 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने मान लिया कि वास्तव में एक जलपरी थी। फिर दूसरे दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वह जलपरी मुँह मांगी रकम में देने को कहा, मगर उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए इसे प्रदर्शित किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई जहां इस मरमेड जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का यह मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। सन 2012 में डिस्कवरी और एनिमल प्लानेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन के जरिए जलपरियों के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई, जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके एक साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस के नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन के वीडियो फुटेज को दर्शाया गया। लेकिन सबसे खास बात तो यह थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वह निश्चित ही चौंकाने वाली थी, जिसे देख किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फुटेज में एक समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा मछली का प्रतीत होता है। हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियन संस्करणों में मत्स्यांगना का भी उल्लेख मिलता है। थाई और कंबोडियन संस्करण में रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा का उल्लेख किया गया है, जो एक सोने की मत्स्यांगना थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी उल्लेख कई स्थानों पर जलपरी के रूप में ही मिलता है। कहा जाता है कि वह एक नागकन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा एक और उल्लेख भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी है, जिनका शरीर का ऊपरी हिस्सा मानव का था और निचला हिस्सा मछली की तरह था। तो क्या हम बचपन में जिन कथा और कहानियों में जलपरी का नाम सुनते आ रहे हैं, क्या वह हमारी एक कल्पना मात्र है, जिससे आए दिन हम दुनिया के कई कोनों में उनके जीवाश्मों को पाए या देखे जाने की खबर सुनते हैं? क्या यह सब झूठ है या केवल एक मिथ है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि युगों युगों से चली आ रही जलपरी की कल्पना में कुछ तो सच्चाई होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। अपना कीमती समय देने के धन्यवाद।